चैप्टर नंबर 5.2, ठीक है। नाउ दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच आर नोन एज वर्ड प्रॉब्लम्स। द वर्ड प्रॉब्लम्स आर क्वाइट सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है तो वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल है। आई थिंक आपने प्रैक्टिस एट 5.1 प्रैक्टिस किया होगा। 5.1 पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद से 5.2 को आप सॉल्व करने का स्टार्ट करना, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली एन एक्टिविटी पार्ट, ये एक एक्टिविटी पार्ट है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस सेट के अंदर नहीं है, इसके पहले है, ठीक है। लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिलता है, यू गेट एन आइडिया डेट हाउ टू यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन। हमें 5.1 में क्या था कि वी वर गिवन द टू इक्वेशंस एंड वी हैड टू सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। हमें दो इक्वेशंस दिए रहते थे और हमें वो क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहता था। नाउ ओवर हियर यू हैव टू फ्रेम द टू इक्वेशंस एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे इक्वेशंस भी हमें बनाने हैं और फिर हमें साइमल्टेनियसली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ठीक है, पहले फर्स्ट विल टेक द सिंपल वन। देखो सम, सम मीन्स क्या होता है, एडिशन, एंड डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 36, ठीक है। हमें कंडीशन दिया है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और कहा है, ये बड़े से बॉक्स में हमें दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल, कि मैं रेक्टेंगल हूँ, माई लेंथ इज एक्स यूनिट्स एंड ब्रेथ इज वाई यूनिट्स। तो ये देखो, ये कह रहा है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ इन दिस वे, और मेरा लेंथ जो है ये एक्स यूनिट है एंड ब्रेथ जो है मेरा वाई यूनिट्स है, ये बोल रहा है। अब हमें क्या कंडीशन दे रहा है, अब इससे ना, इससे ये हमारा मेन कंडीशन है, जहाँ एक्स और वाई हमें बताया गया है। अब इसके बेसिस पे हम ये चार इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमें सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 36, तो सम मीन्स क्या होता है, एडिशन, राइट। तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ को हमने क्या अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम्ड एज एक्स, एंड ब्रेथ को क्या अज्यूम किया है, वाई, क्योंकि इसने यहां पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ हमारा एक्स है, सो एक्स प्लस वाई, सम सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 36, दैट इज इक्वल टू 36। आए समझ में इक्वेशन कैसे बन रहा है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन माई लेंथ एंड ब्रेथ इज 6 यूनिट्स। देखो डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन दोनों का, तो लेंथ एंड ब्रेथ का, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, क्लियर, ठीक। अब देखो यहां क्या बोला है, माई ब्रेथ इज, देखो माई ब्रेथ मतलब क्या है, यहां ब्रेथ किसे कह रहा है, ये वाई को, माई ब्रेथ इज 5/7 टाइम्स ऑफ द लेंथ, ठीक है। अब देखो माई ब्रेथ, ब्रेथ मतलब वाई था, माई ब्रेथ इज मतलब यहां पे इक्वल टू है, इज 5/7 times ऑफ लेंथ। आया समझ में, माई ब्रेथ इज 5/7 times ऑफ लेंथ। ये देखो 5/7 times मीन्स बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, कि इतनी बार है जो y की वैल्यू है, 5/7 times ऑफ x है, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द ब्रेथ इज सब्ट्रैक्टेड, ब्रेथ मतलब क्या है यहां पे, y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ। देखो इफ द ब्रेथ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ, ट्वाइस x, ट्वाइस द लेंथ बोल रहा है, एंड ब्रेथ इज सब्ट्रैक्टेड, ब्रेथ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस वाई, द आंसर इज 27, दैट इज इक्वल्स टू 27। आया समझ में, इतना क्लियर है। देखो दीज आर दी कंडीशंस विच विल बी गिवन इन योर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हमें ऐसे कंडीशंस दिए हुए रहेंगे, एंड बाई कंडीशंस वी हैव टू फ्रेम द इक्वेशंस, वी हैव टू फ्रेम टू इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया, चल नोट इट डाउन। विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस एट 5.2। सी फर्स्ट सी द क्वेश्चंस।
इन एन इन्वेलोप देर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। ठीक है, एक इन्वेलोप के अंदर कुछ 5 रुपए के नोट है, कुछ 10 रुपए के नोट है। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350। ये दोनों नोट मिला के कितने हो रहे हैं? टोटल अमाउंट 350। द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। ये किसी किसी टेक्स्ट बुक में ना बाय 10 के बाद देन नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यहाँ पे ट्वाइस आप ऐड कर लो। ठीक है, अगर ट्वाइस नहीं है तो आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कि हम कंसिडर करते हैं लेट 5 रुपी नोट 5 रुपी नोट्स बी एक्स एंड 10 रुपी नोट्स बी वाई। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज रुपीज 350। अब देखो हमें 5 रुपए का नोट बोला है और 10 रुपए का नोट बोला है, राइट। अब अगर हमने कंसिडर किया, देखो 5 रुपए के नोट ना एक्स है, एक्स मतलब कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मतलब ये एक्स ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये वाई जो है ना, वाई की वैल्यू 10 है, अगर वाई को मैं कंसिडर करता हूँ 10 नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वाई वाला का, 10 रुपी नोट्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 नोट्स हैं या 20 नोट्स हैं। ठीक है, अगर 10 नोट्स कंसिडर करेंगे तो 10 × 10 100 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो हमें पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़, कि टोटल अमाउंट दोनों नोट्स का कितना है 350। तो देखो अब आप लोग करते क्या हो कि फर्स्ट कंडीशन जब मैं ले रहा हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 350 हम लिख देते हैं। लेकिन क्या ये तो नंबर ऑफ नोट्स है ना, x तो नंबर ऑफ नोट्स है, तो मैं कहता हूँ x के सपोज 5 नोट हैं और y के सपोज 10 नोट्स हैं, तो ये टोटल मिला के 350 कैसे होगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। ये हमारा अमाउंट है, दिस इज आर अमाउंट है, ये नोट्स नहीं है। हाँ, ये कहता ना कि दोनों नोट मिला के इतने हो रहे हैं, इतने नोट्स हो रहे हैं, हमें इतने नोट्स नहीं कहा है। ही हैज सेड दैट द अमाउंट, टोटल अमाउंट बाय एडिंग दीज टू विल बी 350, मतलब हमें अमाउंट बोला है। तो ये एक्स मैंने क्या लिया है, 5 रुपए वाले नोट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ इंटू 5 करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि जितने भी नोट्स होंगे एक्स के उन्हें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जितने भी नोट्स होंगे वाई के उसे हम 10 से करेंगे, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे निकलेगा। सपोज करो अब यहाँ सपोज करो एक्स नोट जो है ये 5 नोट है, तो 5 × 5 हो जाएगा, और अगर 10 रुपये के 10 नोट्स हैं तो × 10 हो जाएगा, तो ये हमें टोटल अमाउंट मिलता है, राइट। ये तो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, हमने 350 के हिसाब से नहीं लिया है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि ये नोट्स हैं कितने, 5 रुपए के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं, हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट कंडीशन, 5x + 10y = 350, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। अब 5 देखो, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बोल रहा है, अब नोट्स की बात कर रहा है वो, दूसरे कंडीशन में नोट्स की बात कर रहा है वो, अमाउंट की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। अब देखो यहां नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, अब मैं सेकेंड कंडीशन, फाइव रुपी नोट्स को मैंने क्या कंसिडर किया है, एक्स, तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, 10 नोट कम है, तो 10 नोट कम है, अगर कम है तो मैं क्या करूंगा, -10 बराबर, सो
द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, 10 से कम हो गए, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. अब देखो ये ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स हो गए, जो एक्स वाले नोट्स से वाई से 10 कम है. आया समझ में? ठीक है, तो ये एक्स माइनस 10 वाई आएगा या x इक्वल टू 2y-10 आए, कौन सी कंडीशन आई? द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस देन 10 रुपी नोट्स. 10 रुपी नोट्स जो है ये 5 रुपी नोट्स वाले हैं. अगर ये इतने नोट्स हैं, मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि अगर सपोज करो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अभी यहाँ पे हम देखो कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, बराबर. तो हम अगर कंसिडर करते हैं कि 5 रुपये वाले नोट ना ये 20 हैं, 20 नोट हम कंसिडर करते हैं, तो 10 रुपये वाले नोट कितने हो जाएंगे? 2 into, अगर यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 20 नोट है और ये हम कंसिडर कर लेते हैं 10 नोट है, ठीक है, ये 10 नोट या 20 ही कंसिडर कर लो, और माइनस 10, राइट. तो देखो कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ x के 20 नोट्स मतलब 5 रुपये के 20 नोट्स, ये 2 into 20, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 40 माइनस 10, तो कितने होंगे? 30. तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आप देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देखो ऊपर वाली, देखो ये अगर मैं 2y को हटा देता हूं फिलहाल के लिए. अब ये देखो ये y की वैल्यू है, ये 10 रुपये के नोट हैं, ये अब जब हम ऐसा लिख रहे हैं ना, तो अगर मैंने कहा, मैंने कंसिडर किया कि ये 10 रुपये के 10 रुपये के नोट्स और 5 रुपये के नोट्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ बराबर है, ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से देखो y की वैल्यू एक्स माइनस 10 हो रहा है. y की वैल्यू वी आर गेटिंग x माइनस 10, मतलब अगर दोनों ही के 10-10 नोट हैं तो y के नोट यहाँ ज़्यादा होंगे या x के नोट ज़्यादा होंगे? y के ज़्यादा होंगे या x के ज़्यादा होंगे? y के नोट ज़्यादा होंगे. अगर ये 10 है, x के नोट मैंने 10 कंसिडर किया, तो y के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. समझ में आया क्या? x के नोट्स अगर हमने ऐसा कंसिडर किया तो y के नोट्स यहाँ 0 हो जा रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से. तो यहाँ पे हमें बोला है 5 रुपी के नोट्स, ठीक है, ट्वाइस तो है लेकिन उससे कितने और कम है, कितने नोट्स कम है? 10 नोट्स कम है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी. आया समझ में? ठीक है. अब हम इसको इधर कर देंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10. इज इट क्लियर? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10. मैंने सिर्फ इसको इधर कर दिया. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये हमें 2 इक्वेशंस मिल गए. वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो पहले हम इसे वापस इक्वेशन नंबर 1, 2 ऐसे लिखें. इसके पहले देख लो मुझे किसको कहाँ पे ऑपोजिट साइंस है. ये दिख रहा है यहाँ पे दो जगह ऑपोजिट साइंस y वाले पे, राइट. तो मुझे इसके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तभी तो 5 × 2 = 10 होगा, राइट. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 5 × 10y - 50, राइट.
अच्छा इस पे मुझे डालना है ना वैल्यू, इसमें पुटअप करना है, मैंने इसमें किया था 5x - 10y = -50। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कन्वर्ट हुआ 3 में, एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज, 5x + 10y = 350। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एडिंग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, एडिंग विल ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, राइट। सो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 10x = 300, राइट। सो x = 300/10 that is equals to 30, ठीक है। तो x के हमें कितने नोट्स आ गए हैं, 30 नोट्स। सो देयरफॉर पुट x = 30 इन इक्वेशन, कौन सा सिंपल इक्वेशन है हमारे लिए, फर्स्ट सेकंड में पुटअप कर लेते हैं, छोटा इक्वेशन है, इन इक्वेशन 2। सो x - 2y = -10 है हमारे पास, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 30। सो 30 - 2y = -10, ठीक है। हम इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, सो 30 + 10 = 2y, 40/2 = y, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, दिस विल गो इन डिविजन, सो y = 20, राइट, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये कंडीशन दैट कंडीशन वी हैड टेकन, ये जो हमने कंडीशन लिया था, ये प्रॉपर लिया था कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें क्या आई, 30, तो 30 × x क्या था मेरा, 5 रुपये का नोट, प्लस y क्या था मेरा, 10 रुपये का नोट, 10 × 20, कितना हो रहा है, 3 × 5 = 15, 150 + 200, टोटल मिला के 350। और हमें बोला क्या था, टोटल कितना है, 350, हमें बोला था ना कि टोटल जो है वो 350, ओके, ठीक है, राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 < 2x इट्स न्यूमरेटर। अभी देखो, फ्रैक्शन हम पहले किसके कैसे कहते हैं, देखो हम जब फ्रैक्शन बोल रहे हैं, फ्रैक्शन तो 2/3, 5/7, कोई भी ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ हम फ्रैक्शन को क्या कंसिडर करेंगे कि ऊपर वाला टर्म जो है ये हमारा x है और नीचे वाला टर्म y है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, या आप ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, किसी को x किसी को y एक एक कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, वेर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, ओके, x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। अब देखो, अब हमें कंडीशन देखो, पहला डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 < 2x इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 < 2x इट्स न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर जो है ट्वाइस इज न्यूमरेटर है और उससे एक कम है, तो देखो y = 2x - 1, y = ट्वाइस, ये देखो ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड 1 less, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन,
इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5. देखो अभी हमारा सेकेंड कंडीशन, क्या बोला है हमें कि इस फ्रैक्शन में अगर वन न्यूमरेटर को और वन डिनोमिनेटर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3:5, दैट इज 3/5. सो एक्स अपॉन वाई था, हमें न्यूमरेटर को वन ऐड करना है, डिनोमिनेटर को वन ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5, राइट. इफ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर एंड वन टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे. सो 5 × x + 1 इक्वल टू 3 × y + 1. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 5 इक्वल टू 3y + 3. अभी अलजेब्रिक एक साइड करो, कांस्टेंट एक साइड करो. सो 5x - 3y इधर आएगा तो -3y इक्वल टू 3 - 5. 5x - 3y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2. और ये कंडीशन जो हमारी आई थी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं. तो इसे हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं. सो 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1. हमने x को पहले रखा, y को बाद में रखा, ठीक है. इसको y को मैंने इधर भेजा, 1 को इधर भेजा, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको मिल गए. ये दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. अब देखो, फर्स्ट है, सेकेंड है, ऑपोजिट साइन वाला है क्या कोई? नहीं है. हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम साइन वाला है, राइट. और दूसरा कि यहाँ पे वन दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, तो बेसिकली हमको क्या बेनिफिट है, हम किसी भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मुझे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को, 3 से, बाय 3. सो वी गेट 3×6x - 3y = 3. जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3, इक्वेशन नंबर 3. और सेकेंड वन वाला इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और 2 वाला हम एज इट इज लिख देंगे, 5x - 3y = -2, इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव सेम साइंस, व्हेन वी हैव सेम साइन व्हाट डू वी डू, सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है. इक्वेशन 2 को हमें 3 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की सारी साइंस को चेंज कर देंगे. सो दिस वाज पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस वाज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. 6x - 5x, एक्स, ठीक है, -3y और प्लस. जब हम साइन चेंज कर रहे हैं ना, तो पहले वाली साइंस को हमें नहीं कंसिडर करना है, 3y के लिए प्लस वाला साइन हो जाएगा, ठीक है. सो दिस गेट्स कैंसल, 3+2 = 5, एक्स इक्वल टू, वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 5. पुट एक्स इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सिंपल है, ये वाला, इन इक्वेशन 1. सो वी हैव द इक्वेशन एज 2x - y = 1. एक्स की वैल्यू 5 पुटअप करना है, तो 2×5 - y = 1. इज इट क्लियर? तो 5×2 = 10, -y = 1. y को उधर भेजो, 1 को इधर भेजो, 10 - 1 = y, y = 9. तो अब हमें क्या बोला है, फ्रैक्शन बोला है ना हमें. सो देयरफोर द फ्रैक्शन इज हमारा फ्रैक्शन क्या था, x upon y था. तो x की वैल्यू क्या आई है, 5.
y की वैल्यू 9. सो वी विल राइट द फ्रैक्शन इज 5/9. आया समझ में? इज इट क्लियर? ठीक है,